तो ठीक है भाई, सिंचन तू घर में रखियो और सिंचन तू मेरे बेबी का ध्यान भी रखियो, हम जा रहे हैं सिंचन बस लेने के लिए। अरे फ्रेंगल पे, अब तो यार शर्म कर लो यार, अब तो इसको बेबी मत बोलो, अब तो यार पंडित जी ने बता भी दिया, इसका नाम रख लो यार ए नाम से कुछ भी नाम। तो सिंचन भाई फटाफट से डिसाइड करना। अरे यार कमेंट में मेरे सारे दोस्त ने बहुत सारे नाम बताए तो है। हाँ तो ठीक है सिंचन, तू सब लोगों के कमेंट पढ़, और जो भी नाम सिंचन तुझे काफी अच्छा लगे वो नाम आज हम अपने बेबी का रख देंगे। हाँ फ्रेंगल पे, मैंने सबके नाम पढ़ लिए यार, जितने भी मेरे दोस्तों ने कमेंट करा था ना कल वाली वीडियो में नाम, वो सब मैंने पढ़ ली। आज गाइज हमने यार नाम भी रखेंगे अपनी बेबी का। और गाइज आज मैं सिंचन और सिंचन के सारे दोस्त और गाइज मेरे अगल बगल पड़ोसी के हम सारे लोग जाने वाले हैं मस्त करके गाइज आज पिकनिक पे, इसलिए मैं जा रहा हूँ गाइज फटाफट से बस लेने के लिए, क्योंकि गाइज हम इतने सारे लोग जाएंगे तो भाई गाड़ी के अंदर तो जा नहीं पाएंगे, इसलिए गाइज मैं और सिंचन की भाभी जा रहे हैं फटाफट से यार बस लेके आते हैं। अरे यार मेरा बहुत मन कर रहा है गाइज बिस्कुट खाने का, लेकिन क्या करूँ यार फ्रेंकल भैया तो जिम्मेदारी दे के चले गए। ये देखो ये पड़ा फ्रेंकल भैया का बच्चा, हाँ तो यार यहाँ पर पड़ा रहता है सोता रहता है, और गाइज मेरे को इसकी देखभाल करनी पड़ जाती है। और तो और गाइज आपको पता है कल रात जब मैं इसके बगल में सो रहा था ना यार, रात इसने यार बेड पे टॉयलेट में कर दी और मैं पूरे का पूरा गीला भी हो गया यार, क्या करूं। अरे वाह बंदर, अरे बंदर मैं क्या कह रहा हूं, मैं जा रहा हूं यार बिस्कुट लेने, मेरा यार बहुत मन कर रहा है, नीचे ना फ्रेंकल भैया का बच्चा सो रहा है। ओ कौन सा बच्चा सो रहा है भैया, अरे यार एक ही तो बच्चा है ना फ्रेंकल भैया की। अच्छा बेबी सो रहा है, बेबी ऐसे बोलो बेबी सो रहा है। ठीक है सिंचन भैया हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर बेबी कहीं बाहर निकलेगा तो हम उसे पकड़ के उसके कान पे दो चांटे लगाएंगे और उसे नीचे भेज देंगे। अरे मैं लगाऊ तेरे कान पे चांटे, फ्रेंकल भैया का बच्चा है वो, उसके गलती से टच मत कर दियो। जाता हूं गाइस अपने लिए बिस्कुट लेके आता हूं और फ्रेंकल भैया के बच्चे के लिए भी ले आऊंगा। अरे पापा कहां गए, मम्मी कहां गए, और चाचा कहां गए, सिंचन चाचू, अरे सिंचन चाचू कहां गए। अरे यार पापा भी नहीं दिख रहे, अरे मैं पापा से बोल रहा था मुझे ठंड लग रही है मुझे कपड़े पहना दो, फिर भी पापा ने कपड़े नहीं पहनाए। फ्रेंकल पापा कहां हो, अरे सिंचन चाचू। और तो और इनके घर में एक कुत्ता भी रहता है, मेरे पापा ने कुत्ता पाला है लेकिन कुत्ता भी घर में नहीं है, मैं जा रहा हूँ घूमने। अरे ये कौन से चाचू है, अरे आपका नाम क्या है। ओ बच्चे बच्चे अंदर चले जाओ वरना तेरी कनपट्टी पे दूंगा, लेकिन दे नहीं सकता, अगर फ्रेंकल भैया को पता लग गया ना तो वो मेरे को उठा के फेंक दूंगा, तुझे पता है नाली में, अंदर चले जा। अरे तुम कौन से चाचू है ये तो बताओ। अब मेरा नाम है वो है, मेरे को हीरो बोल, हीरो हीरो नाम है। अरे नहीं 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 हीरो नाम नहीं, तुम्हारा नाम बंदर है मुझे पता है, क्योंकि सिंचन चाचू बोलते हैं तुम क्या बंदर। ओ देख देख भाई इज्जत कर ले, देख तेरे को पद्दी पे घुमाऊंगा, हाँ तो बिठाओ मेरे को पद्दी पे फटाफट से। चल मैंने तेरे को बिठा तो लिया है लेकिन तू तो भाई साहब उसमें बालों में छिपक गया बालों में। अरे बंदर चाचू तुम्हारे कितने बाल हैं, मैं तो इनके अंदर छिप गया। अबे बाल बाल बड़े रखने चाहिए, मैंने अपने पूरे शरीर पे बाल उगा रखे हैं, तू तो मस्त करके बैठा हुआ है ना गोदी में, अब बस तू ऐसे ही रहा तेरे को झुलाते हो। अरे धीरे 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 बंदर धीरे। ओ बंदर ना बोले अभी तेरे कान पे लगा दूंगा, हाँ नहीं तो बंदर ना बोल दे गलती से भी। और चल तू एक काम कर, तू ना अभी अकेले में मेरे को बंदर बोल ले, लेकिन जब सारे लोग हो ना तो सारे लोगों के आगे ना मेरे को हीरो बोलेगा, हीरो। अच्छा हीरो बोलना है तुमको, ठीक है अब मैं तुमको सबके सामने जीरो बोलूंगा। ओ जीरो नहीं बोलना, जीरो नहीं बोलना, फ्रेंकल भैया का बच्चा एकदम फ्रेंकल भैया पे गया है, डिट्टो फ्रेंकल भैया की तरह, बस तेरे को अब घुमा दिया, अब चुपचाप से घर में चले जा। अरे चाचू मेरे को कुछ खिला लो, भूख लगी है भूख, और कपड़े भी दिला लो। ये सिंचन के बच्चे ने अपने कपड़े दिए नहीं अपने बेटे को, नहीं नहीं ये तो सिंचन का बेटा नहीं है, तो फ्रेंकल भैया का बेटा है, बोलना पड़ेगा फ्रेंकल भैया से कपड़े कैसे नहीं दिला रहे। चलो ना चलो और घुमाओ और घुमाओ, बहुत मजा आ रहा है। अबे तुझे तो मजा आ रहा है लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा, उतर जा नीचे। चलो यार मैं तो एकदम रेडी हो चुका हूँ, नहा धो के कपड़े वपड़े पहन के, और साथ में आज तो मैंने मस्त करके मैगी बनाई थी, मैगी मैंने पैक कर ली ब्रीफ केस के अंदर, अब जाऊंगा पापा की गाड़ी में बैठ के ताकि मेरी रेपुटेशन कम ना हो जाए बिल्कुल भी। जब भाभी के सामने गाड़ी में से उतरूंगा ना भाभी तो सोचेंगे मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन हूँ। और पापा जी क्या ले, अरे लिटिल सिगम बेटा ऐसे तुम्हें पिकनिक जानता गए नहीं। अरे पापा जी मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, चुपचाप से आप ड्राइवर बनो और मैं बैठता हूँ आपके बगल में, और फ्रेंकल भैया के घर के आगे छोड़ के आओ मुझे। आपको पता है फ्रेंकल भैया की शादी हुई है तो उनकी भाभी भी आई है, मतलब फ्रेंकल भैया की वाइफ मेरी भाभी लगी ना, तो मैं चाहता हूँ भाभी के सामने मेरी रेपुटेशन बिल्कुल खराब ना हो। चलो पापा जी फटाफट से ड्राइवर बनो और मेरे को फ्रेंकल भैया के घर पे छोड़ के आओ। क्या कह, रेपुटेशन ये ले, रेपुटेशन तेरी मैं बनाऊंगा। अरे पापा जी मैगी बनाई थी, मैगी ये ले, अब तेरी मैगी मैं निकालता हूँ, ड्राइवर बनाएगा अपने पापा को, ये ले अपने पापा को ड्राइवर बनाएगा, शर्म नहीं रही। अरे पापा जी सॉरी, अरे पापा जी मैं ड्राइवर बन जाऊंगा, रेपुटेशन गई भाड़ में, सेल्फ रिस्पेक्ट भी भाड़ में गई, आज तेरी सब कुछ मैं निकालूंगा, तेरी हिम्मत कैसे, ये ले आज तेरे को इतना तोड़ूंगा कि पिकनिक पे तू लंगड़ाते हुआ जाएगा। अरे थप्पड़, अरे इतनी तेज खप्पड़ खींचा के पापा जी अंदर बाल लो, भाभी आ गई ना सारी रेपुटेशन बिगड़ जाएगी, आज तेरे को सिंचन की भाभी के सामने मारूंगा। लेट्स गो गाइस, अभी यार हम अपनी गली के अंदर तो पहुंच चुके हैं, और गाइस ये वाली बस चेक करो भाई कितनी बड़ी है। गाइस हम जितने लोग भी जा रहे हैं ना आराम से इसके अंदर बैठ जाएंगे, और साथ में गाइस हम जितना मर्जी सामान भी लेके जा सकते हैं। लेकिन एक सेकंड भाई, घर के आगे सिर्फ इतने से सिंचन के दोस्त ही खड़े हैं। भाई मैंने अपने दोस्तों को बुलाया था और मेरे पड़ोसी बोले थे भाई जाने के लिए, लगता है आए नहीं भाई, मैंने इनको बताया तो था, मेरे को लग रहा है गाइस भूल गए होंगे।
करेंगे, क्योंकि भाई कल मेरे बच्चे का नामकरण हो रहा था ना, तो गाइस पार्टी रखी हुई थी तो सारे लोग भाई थक गए थे। ओए सिंचन और लोग कहे, अरे कौन लोग फ्रिंगल बैग, कौन लोग, हम इतने ही लोग ही जाएंगे। और सिंचन बेबी उठ भी गया, अरे इसे बेबी मत बोलो यार, इसका नाम लेके बोलो। नाम सिंचन तू डिसाइड करेगा ना, जब ही तो बोलेंगे। आओ फटाफट से गाड़ी में बैठो। अरे फ्रैंकल भैया आज तो बड़ी धूम मचा दी, धूम फ्रैंकल भैया गाड़ी में। अरे पहली बात बंदर, ये गाड़ी नहीं भाई, इसको बस कहते हैं बस। अरे फ्रैंकल भैया तुमको पता है मेरी कितनी इज्जत है, मेरे पापा जी मेरे को पूरे के पूरे 1000 रुपए दे के भेजते हैं, 1000 रुपए जहाँ भी जाता हो। और आज पिकनिक जाना था तो मेरे पापा जी ने मेरे को पूरे के पूरे 5 लाख रुपए दे दिए। अरे लिटिल सिंघम ज्यादा मत फेंक, चुपचाप से बस में बैठ जा। तो फाइनली गाइस अभी हम सारे लोग यार बस के अंदर तो एकदम आराम से बैठ चुके हैं। निकले सिंचन या कोई और भी आएगा? अरे नहीं आएंगे फ्रैंकल भैया, यार मैंने सभी पड़ोसियों से पूछा, सारे लोग फ्रैंकल भैया खर्राटे लेके सो रहे हैं यार। मैंने बोला सोते रहो। और आपको पता है जो हमारे घर के आगे कूड़ा फेंकता था वो भी करता ना पिकनिक जाने के लिए, मैं जब उसके घर गया ना वो भी सो रहा। मैंने यार बाल्टी भर के पानी लिया और उसके मुंह पे डाल दिया, उसके बाद चिल्लाते हुए भागा ठंडी ठंडी ठंडी। मैंने बोला भाग जा यहाँ से। अरे फ्रैंकल भैया मेरी बात तो तुम पूछो ही मत फ्रैंकल भैया, मैं मतलब इतना लकी हूँ फ्रैंकल भैया, मेरे पापा जी मारने की बात तो बहुत दूर की बात है, मुझे कभी डांटते भी नहीं है। हाँ सबको पता है यार तेरे पापा तुझे कभी डांटते भी नहीं है। और क्या सिंचन के बच्चे तूने कभी देखा है मेरे पापा से मेरे को पिटते हुए? और भैया ज्यादा ना बोला भैया, हमने तुमको बहुत बार देखा लिटिल सिंघम भैया, तुम अपने पापा से ना डेली पिटते हो। एक दिन तक तुम्हारे पापा ने तुमको यार इतना मारा कि तुमको मारते मारते स्विमिंग पूल में बंद कर दिया था। उबा अब तो तू झूठ बोल रहा है, स्विमिंग पूल में कैसे कोई बंद हो सकता है? अरे हाँ जी, जिस दिन तेरे स्विमिंग पूल में पानी नहीं था ना, तेरे पापा ने यार रस्ते से तेरे को स्विमिंग पूल के अंदर बांध दिया था, मुझे याद है। अबा भाभी के सामने सारी रेपुटेशन मेरी खराब कर दी, तुम दोनों को बाद में बताऊंगा, नहीं तो कब से मैं अपनी इज्जत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, भाभी के सामने हवाबाजी करने की कोशिश कर रहा हूँ, सारी इज्जत तुमने पानी में मिला दी। अरे हम क्या कह रहे हैं पापा, पापा कुछ दिला दो, चिप्स दिला दो। अबे सिंचन इसका तो नाम डिसाइड कर पहले, वरना तो सिंचन हम इसको बेबी कहते रह जाएंगे जिंदगी भर, और सिंचन फिर इसका नाम भाई बेबी रख जाएगा। अरे वैसे बेबी नाम भी बुरा नहीं है यार, बेबी नाम रख दे क्या भाभी, बताओ फटाफट से। अबे भैया काम करो, ट्रैंकल भैया तुम अपने बच्चे का नाम ना बंदर रख लो, बंदर, ऐसा कान पे दूंगा ना बंदर तेरे के, खिड़की से बाहर कूद जाएगा तू। अरे बढ़िया फ्रैंकल भाई काम करो, दही दोस्त के कान पे एक थप्पड़। तो गाइस अभी हम यार अपनी लोकेशन में तो पहुंच चुके हैं। सिंचन ये जो तू पार्क दिख रहा है सिंचन, ये बहुत बहुत बड़ा पार्क है, और सिंचन इसके अंदर काफी सारे झूले भी हैं। मैंने सुना है सिंचन अगर कोई भी उन झूलों पे झूलता है ना, तो सिंचन भाई उसको ना रात में सिंचन सपने में भाई काफी सारा गिफ्ट मिल जाता है, इसलिए सिंचन मैं तेरे को और तेरे दोस्तों को भाई इस ग्राउंड के अंदर लेके आ गया हूं। अरे पर फ्रैंकल भैया कोई फायदा नहीं है भैया, सपने में जो कुछ देखते हैं भैया मिलता तो है नहीं उस लत में। अरे तो बंदर के बच्चे तेरे को सपने में भी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है अब तो चुपचाप से बैठे रहे। और फ्रैंकल भैया सच में यार पार्क तो बहुत ही बड़ा है। और मैं क्या कह रहा हूँ फ्रैंकल भैया, भाभी के सामने एक बार मेरी थोड़ी सी तारीफ कर दो, कम से कम मेरी रेपुटेशन जो खराब हुई है वो सही तो हो जाएगी। अबे चुप हो जा लिटिल सिंघम, एक सेकंड सिंचन आगे तो अपनी बस जा ही नहीं पाएगी, तो अपनी बस को फटाफट से यहीं पे खड़े कर देते हैं। और फ्रैंकल भाई यार मैंने ना यार तुम्हारे बेबी का नाम भी डिसाइड कर लिया, आखिरकार ए से तुम्हारे बेबी का नाम क्या रखा जाए, ओखला रख देते हैं यार तुम्हारे बेबी का नाम। क्या कहा सिंचन तूने, एक और बार बोलियो ओखला, ओखला। अबे सिंचन लगता है भाई तेरे को पानी में डुबाने पड़ेगा, पहले मैं नहा लूं ठंडे पानी से। अरे बाबरे कितना ठंडा है भाई, सिंचन के बच्चे कोई ढंग का नाम सोच ले। अरे गाइस यार आप लोगों ने बहुत सारे नाम तो बताए, उनमें से गाइस एक नाम रखने वाला हूँ आज मैं अपनी बेबी का, तो ठीक है फ्रैंकल भाई तुम तैयार हो? हाँ सिंचन तू फटाफट से बता क्या नाम रखेगा, उसके बाद सिंचन हमेशा यार हम इसको उसी नाम से पुकारेंगे। अबे भैया भैया बाहर भी निकल गया या पूरे दिन नहाते रहोगे, तुम्हारे घर में स्विमिंग पूल भी है, जब भी यहाँ पे पानी में आकर नहा रहे हो। अरे पापा जी मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मेरा नाम आपको ऐसे ही रखना है तो पापा जी मेरा नाम आंटी रख देना, कितना प्यारा नाम है। ओ भैया आंटी, अबे तू आंटी है क्या, पागल कहेंगे, तू लड़का है लड़का, आंटी रखना चाहता है अपना नाम आंटी। अरे मैं नहीं जानता आंटी किसी को, वो तो मेरा पड़ोसी आंटी आंटी चिल्लाता था, इसलिए मैंने सोचा कि आंटी रखवा लेते हैं अपना नाम। अरे तू पागल है क्या यार, फ्रैंकल भैया के बच्चे हैं, पागल मत बन यार, पागलों वाले काम मत कर, मैं रखूंगा तेरा नाम। अरे किसने बटन को प्रेस कर दिया, बादलों से डायरेक्ट मुझे पृथ्वी लोक पे आना पड़ा, मेरा घर बादलों पे है, लेकिन जब भी कोई भी पृथ्वी लोक से उस बटन को प्रेस करता है तो मुझे अर्जेंट नीचे आना पड़ता है। पानी के अंदर बटन तो है, देखता हूँ किसका मखत ने दबा दिया, अच्छा खासा सो रहा था, लगता है इसने दबाया है। ओए आज तेरे को खा जाऊंगा, निकल जाऊंगा। अरे कौन है रे, कैसे निकल जाएगा, बड़ी तेज घूस हमारा। अब बोल क्या बोल रहा था, एक चाटे में तेरे को गिरा दिया नीचे, वैसे चाटा तो नहीं इसके तो घूस हमारा मैंने। अब चलो पृथ्वी लोक पे आई गया हूँ तो पृथ्वी वालों से मजे ले लिए जाए। और मेरे चेलो क्या हाल है, अरे ये कौन है फ्रैंकल भैया, ओ भैया भूत भूत, अबे पागल हो रहा क्या, दिन में कहीं भूत आ रहे हैं। अबे सिंचन भाई इसकी ध्यान से शक्ल देखिए, सिंचन ये तो सच में भूत है भाई। अरे क्या कैसे बैठे हो, लगता है तुम्हारे पास सामान वमान नहीं है, गरीब हो गरीब, रुको तुम्हें अमीर बनाता हूँ, जिससे तुम अच्छी लाइफस्टाइल के साथ अपनी जिंदगी को जी सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। एक सेकंड भाई तू
है कौन तू? जो कोई भी है प्लीज यहाँ से चले जा सिंचन। पता नहीं क्यों भाई मेरे को डर लग रहा है इससे। अरे डरने की बात है, इसकी शक्ल देखना कितनी डरावनी है। अरे बच्चों तुमको एंजॉय नहीं करना क्या अपनी लाइफ में? वो सड़ी हुई घिसी पिटी लाइफ जीनी है क्या? अरे जीनी तो अच्छी लाइफ है यार, लेकिन तू कर क्या सकता है? मांगो बच्चो मुझसे, तुम दो विश मांगो, आज तुम्हारी दो विश पूरी करके चुटकी बजा के अपने बादल में चले जाऊंगा। बादल में दो विश मतलब तू हम जो दो विश मांगे तू पूरी करेगा? सिंचन बोलियो कुछ। अरे चलो ठीक है, पहली विश में मांगते हैं भाई। अगर तेरे में दम है यहाँ बहुत सारी रेड कलर की रिमोट कंट्रोल कर ला के दिखा दे। दमी नहीं है तो कहाँ से है फ्रेंगल भाई, ये देखो। सिंचन भाई दम की बात मत कर भाई, यहाँ पर तो सच में रिमोट कंट्रोल करा गई, वो भी रेड कलर में। अरे वाह यार तेरे अंदर तो काफी ओपी वाली पावर है, तो तू ना एक काम कर भाई फटाफट से। भाई ये मेरे जितने भी प्यारे वाले दोस्त मेरी वीडियो देख रहे ना, इनका सपना पूरा कर दे। अच्छा ठीक है, जो भी इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में अपना सपना बताएगा, उसका जो कुछ भी सपना होगा वो जरूर पूरा होगा। बहुत बढ़िया गाइस, आप लोग फटाफट से यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि गाइस आपका जो भी सपना है वो फटाफट से पूरा जाए। और भाई मेरी तीसरी विश ये सिंचन कहा गया? अरे बाप रे वो तो गायब हो गया यार, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यार वो दो ही विश पूरी करके गया। लेकिन सिंचन तू तो खुश हो जा भाई, तेरे को इतनी सारी रिमोट कंट्रोल कार वो भी फ्री में मिल गई। अरे वाह पापा वाह, मेरी रिमोट कंट्रोल कार फाइनली तुमने मुझको दिला दी, वाह पापा वाह। गाइस आप लोग यार फटाफट से यार कमेंट कर दो, जो कुछ भी गाइस आपको चाहिए ना फटाफट से यार कमेंट में लिख दो। अगर आपको आईफोन चाहिए तो आईफोन फटाफट से कमेंट में लिख दो। गाइस मतलब आपका जो भी सपना है लैपटॉप वगैरह फटाफट से कमेंट कर दो। गाइस जो भी आपका सपना है भाई बहुत जल्दी यार पूरा होने वाला है। सिंचन के तो मजे आ गए भाई, काफी सारी टॉय वाली कार मिल गई। अरे फ्रेंगल भैया हट जाओ यार वरना ठोक दूंगा। अरे मैं क्या कह रहा हूँ फ्रेंगल भैया के बच्चे, तू भी यार कोई गाड़ी चला ले, देखियो मैं कितनी मस्त करके चला रहा हूँ। और तुमने एक बैट भी खरीद लिया फ्रेंगल भैया, यार ये तुम्हारा जो बच्चा है ना रात को टॉयलेट कर देता है और तुम इसको एक चड्डी में क्यों रखते हो? अरे हाँ पापा जी मैं मेरे को कपड़े दिलाओ कपड़े। अबे मेरे बच्चे इतने सारे कपड़े तेले मैंने ला के रख रखे हैं, तू पहनता क्यों नहीं है? ये सिंचन तेरी भाभी भाई इसको कपड़े नहीं पहनाती, वरना तो सिंचन ये मस्त करके कपड़े में रहे। अभी देखना गया सिर्फ और सिर्फ एक चड्डी में रहता है। मेरे आस पड़ोस के लोग भी बोलते रहते हैं कि भाई कपड़े दिला दो इसको, कपड़े दिला दो, सिर्फ एक चड्डी में घूमता है। और फ्रैंकल भैया अगर तुम्हारे पास कपड़े नहीं तो मेरे कपड़े लो। अब ऐसा तेरे कान पे दूंगा ना कभी फिर फालतू बोलेगा नहीं, तुझे पता ही है यार कितने सारे मैंने कपड़े परचेज कर रखे हैं, वो तो सिंचन की भाभी इसको पहनाती नहीं है। अरे मम्मी मुझे कपड़े चाहिए, कपड़े पहनाओ कपड़े। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करो गाइस? फ्रैंकल सिंचन आपके भाई, तो यार फटाफट गाइस अभी के भी इस वीडियो को लाइक कर दो और गाइस यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और गाइस यार बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, जैसे गाइस जब हमारी वीडियो आएगी ना सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो गाइस प्यारा वाला बाय।